स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइंड योर होम एंड टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ. स्टे होम, स्टे सेफ. टुडे आवर टॉपिक फ्रॉम एलाइस इन वंडरलैंड, पार्ट थर्ड, पेज नंबर 71. देयर वेयर डोर्स ऑल अराउंड द हॉल, बट दे वेयर ऑल लॉकड. शी वंडर हाउ शी कुड गेट आउट अगेन. तो जब वो नीचे हॉल में, वो बड़े हॉल में पहुंची, वहां पर उसने बहुत सारे दरवाजे देखे. हर तरफ दरवाजे ही दरवाजे थे उस हाल में. अब उसने देखा कि, लेकिन वो सब दरवाजे क्या थे, लॉक थे, बंद थे. उसको तहज्जुब, हैरत से वो देखने लगी, हैरत हुई कि अब इससे बाहर मैं कैसे जाऊंगी. सडनली शी सा ए लिटिल थ्री लेगेड टेबल ऑन विच वाज लाइंग ए गोल्डन की. तो अचानक उसकी नज़र एक टेबल पर पड़ी जिसकी कितनी टांगें थी, तीन, और वहाँ पर एक उसके ऊपर एक गोल्डन की थी, सोने की चाबी थी. शी ट्राइड द टी बट अलास एथर द लॉक्स वेयर टू लार्ज और द की वाज टू स्मॉल बट इट कुड नॉट ओपन एनी ऑफ द लॉक्स. तो जब उसने वहाँ, वो बहुत खुश हुई जब उसने वहाँ पर वो की देखी, चाबी, तो उसने चाहा वो लॉक खोलने के लिए, मगर वो जो चाबी थी वो बहुत बड़ी थी और लॉक बहुत बड़े थे मगर चाबी क्या थी, छोटी थी, उससे कोई भी दरवाज़ा नहीं खुल सकता था. हाउएवर द सेकंड टाइम राउंड शी सा येलो कर्टन एंड बिहाइंड इट वाज लिटिल डोर अबाउट 15 inch हाई. शी ट्राइड द लिटिल गोल्डन की इन द लॉक. अब जब दूसरे टाइम उसने क्या किया, वहाँ पर उसने देखा एक छोटा वो कर्टन, पर्दा, उसके पीछे एक छोटा सा दरवाज़ा था और वो दरवाज़ा कितना था, 15 inch ऊंचा था. शी ट्राइड द लिटिल गोल्डन की इन द लॉक एंड टू हर ग्रेट डिलाइट इट फिटेड. तो उसने वो बहुत कोशिश की वो लॉक खोलने के लिए उस गोल्डन चाबी से. बहुत खुशी हो रही थी उसको कि अब ये खुल जाएगा. Alice opened the door and found that it led into a small space. She looked through and found a beautiful garden full of bright flowers and cool fountains. She wanted to go there, but she was too big to enter the doorway. जब उसने, उसको बहुत खुशी महसूस हो रही थी वो चाबी देखकर, जब वो गई वो खोलने के लिए तो दरवाज़ा खुल गया. वहाँ से वो क्या देखती है, वहाँ से उसने देखा कि वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत बाग है. उसमें रंग बिरंगे फूल चमक रहे हैं और ठंडा ये फवारा जो है वो भी चल रहे हैं फवारे. बहुत दिलकश नज़ारा है. ये वहाँ पर जाना चाहती थी, मगर वहाँ पर उसको जाने के लिए बट शी वाज टू बिग टू एंटर द डोर. लेकिन वो बहुत बड़ी थी, वो उस दरवाजे से, उस वो जो डोरवे था, दरवाजे का रास्ता था, वहाँ से वो नहीं दाखिल हो सकती थी. शी वेंट बैक टू द टेबल एंड फाउंड द बॉटल ऑन विच वाज रिटन ड्रिंक मी इन लार्ज लेटर्स. अब वापस पीछे आई, उसने टेबल पर एक बॉटल देखी, उस पर लिखा था ड्रिंक मी इन लार्ज लेटर, बड़े बड़े हरूफ में उस वहाँ पर लिखा था ड्रिंक मी. She ensured that the bottle was not marked poison. She drank it and found herself shrinking. She was now the right size for going through the little door and to the lovely garden. तो जब उसने उस बॉटल पर देखा, वहाँ पर क्या बड़े बड़े हरूफ में लिखा था ड्रिंक मी, तो उसने सोचा कि अगर इसमें मतलब जहर होगी तो क्या करेंगे. मगर उसने क्या किया, वो पी लिया. और जब उसने वो ड्रिंक पिया तो वो क्या होनी स्टार्ट होगी, श्रिंक होनी, मतलब छोटा होना स्टार्ट हो गया उसका. तो जब वो छोटी होगी, छोटे साइज़ की, तो अब वो, उसने कहा कि हाँ, आप, मैं इस दरवाज़े से आराम से जा सकती हूँ और मैं इस बहुत ही खूबसूरत और प्यारे बाग का नज़ारा ले सकती हूँ. Alice got into the garden but soon realized that she had forgotten the little garden key. And when she went back to the table for it, she found she could not possible reach it. तो अब एलाइस कहाँ पर चली जाती है, नीचे गार्डन में जब जाती है तो उसे वहाँ पर महसूस होता है
कि मैं तो कुछ ये जो लिटिल गोल्डन चाबी थी मैं वहाँ पर भूल आई हूँ। तो वापस ये वहाँ पर जाती है उस टेबल पर, तो अब उसका वापस आना पॉसिबल नहीं होता है, मुमकिन नहीं होता है। सून हर आई फेल ऑन ए लिटिल ग्लास बॉक्स दैट वॉज लाइंग अंडर द टेबल। शी ओपनड इट एंड फाउंड इन इट ए वेरी स्मॉल केक ऑन विच द वर्ड्स ईट मी वेरी ब्यूटिफुली मार्केट। तो जब वो वहाँ पर वो उसकी आँख उसकी नज़र पड़ती है एक ग्लास के छोटे ग्लास के बक्स पर, तो वो टेबल के नीचे होता है। जब वो उसे खोलती है तो वहाँ उसमें क्या होता है, एक छोटा सा केक होता है। ऑन विच द वर्ड्स ईट मी, और उस केक पर क्या लिखा होता है, ईट मी विद ब्यूटिफुल मार्केट, बहुत खूबसूरती के साथ वहाँ पर वो लिखा होता है। शी एट द केक एंड गॉट बिगर टू रीच आउट ऑफ द गार्डन की। जब वो छोटे दरवाजे से वहाँ गार्डन में गई होती है तो अब उसे वापस आना होता है, मगर अब वो उस दरवाजे से वापस नहीं आ सकती है। तो जब वो टेबल के नीचे वो केक वो खाती है जिस पर ईट मी लिखा होता है, तो फिर वो क्या आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होना स्टार्ट हो जाती है। एंड गॉट बिगर टू रीच आउट ऑफ द गार्डन गोल्डन की, नाउ शी वॉज टू बिग टू रीच आउट ऑफ द डोर। तो जब वो क्या उसने वो केक खाया तो अब वो क्या बढ़ना मतलब बड़ी होने लगी जैसे वो पहली थी, अब वो आराम से वहाँ उस दरवाजे से वापस आ सकती थी। तो ये थी हमारी एलाइस इन वंडरलैंड, जादुई या तस्वीराती सरजमीन पर। ये जो एलाइस वहाँ पर गई थी इसने क्या देखा और मतलब कैसा इसको महसूस हुआ, क्या क्या एक्सपेरिमेंट इसने वहाँ पर किए, मतलब उसने वो ड्रिंक मी वो जैम ये सब चीज़ें इसने वहाँ पर देखी, तो श्रिंक हुई फिर बिग साइज़ हुआ पर ये वापस आई। तो ये हमारी स्टोरी थी। अब पार्ट फोर्थ में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, खुदा हाफिज़।